आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। खबर महोबा की है, जहां महोबा के पनवाड़ी कस्बा में आज सुबह अज्ञात कारणों के चलते एक किराना की दुकान और गोडाउन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं इस अग्निकांड में लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र के पाठक पुराना मोहल्ला में मुन्नीलाल परचून की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसको लेकर दुकान और गोडाउन में जलकर राख हो गया। जिस मकान में दुकान थी उसी में गोडाउन और मुन्नीलाल रहते थे। सुबह जब अचानक दुकान से धुएं के गुब्बारे निकलते देखे तो इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं पीड़ित मुन्नीलाल ने बताया कि इस अग्निकांड में लगभग 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मंदिर गए हुए थे, लौटकर आए तो देखा आग लगी हुई है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर कोई अन्य कारण है ये पता नहीं है। कोई मालूम नहीं है, हम मंदिर चले गए, बच्चा है जो दर्शन कर चलो वो इसी में गोदाम है, इसमें गोदाम है, इसमें ऊपर रहते हैं। निवास भी है, निवास भी है। कोई हताहत हुआ, कोई हताहत हुआ किसी को? चोट तो नहीं आई, सामान जल के खाक हो गया है। आपका नाम क्या है, कितना नुकसान हुआ लगभग? मेरा नाम मुन्नीलाल है। और नुकसान लगभग कितना हुआ होगा? 15 लाख। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।